अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। मेरे पास आज कीमा पड़ा हुआ था, तो बच्चों की फरमाई थी कीमे वाली बिरयानी बनाने की, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। ये मैंने कीमा 1 किलो लिया, उसको मैंने बॉयल कर लिया लहसुन डाल के, और अब मैं ये 4 प्याज लिए थे, तो मैंने सर्च किया, अब उनको फ्राई करने के लिए रखा। साथ साथ मैं मसाला बनाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ कैसे बनाती हूँ। ये थोड़ी सी अदरक ली है मैंने, तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा है, और ये 2 गट्ठी लहसुन मैंने छील के रख दिया था, इसको हम पीस लेते हैं और इसकी पेस्ट बना लेते हैं। ये बड़े साइज के टमाटर हैं, 4 से 5 अदद, इनकी भी मैं पेस्ट बना लूँगी, क्योंकि कीमे में वो खड़े खड़े अच्छे नहीं लगते। टमाटर आप अपनी मर्जी से ज़्यादा कम भी डाल सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा डालेंगे टेस्ट उतना ही डेवलप होगा। ये तकरीबन 3-4 बड़े थे और 2 छोटे, इनकी भी पेस्ट बना। 1 कप दही लिया, उसमें मसाले हम तैयार कर लेंगे। ये लहसुन अदरक का जो मैंने बनाया था पेस्ट वो डाल रही हूँ, और इसमें नमक जाएगा, 1 से 1.5 चम्मच मैंने नमक डाला, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और 1 चम्मच भर के ये पिसी हुई लाल मिर्च, 1 ही चम्मच भर के हम ये सूखा धनिया डाल देंगे, 1/2 चम्मच हल्दी डाल रही हूँ मैं ये कलर के लिए, ये 2 चम्मच मैंने बिरयानी मसाला डाल दिया, और इन सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। ये प्याज हमारे अच्छे से गोल्डन, बल्कि ज़्यादा ही ब्राउन करने हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कलर अच्छा आए, तो अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और ये कीमा जो हमने बॉयल करके रखा था कि मैं सारा डाल दी, इसको चल जाएगी, हम इसको अंदर भूनेंगे, इसका पानी भी खत्म करेंगे। 6 से 8 अदद आलू उबारे हैं, ये मैंने धो लिए हैं, इनको साफ कर दिया, ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, ये फ्लेवर के लिए बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है इसका, तो अब इसको ज़रा थोड़ा सा पकाएंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। कीमे का पानी खुश्क हो गया जो हमने ये घी के साथ डाला था, अब ये दही वाला मसाला जो मैंने बनाया था ये हम ऐड करने लगे हैं। बस ये झटपट बन जाने वाली बिरयानी है, जल्दी जल्दी बनाने वाली, थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे कीमे के साथ। ना मैं तो इसमें आलू भी डाल रही हूँ थोड़े से फ्लेवर के लिए, बच्चे पसंद करते हैं, तो अगर आपका दिल चाहे आप डालें, ना दिल चाहे तो ना भी डालें। मैं थोड़े से आलू डाल रही हूँ, इसी स्टेप पे मैंने आलू डाल दिए, और साथ ही ये मैंने टमाटरों का ढेर सारा जो पेस्ट बनाया था ये भी मैं डाल रही हूँ, और इसी में आलू भी डाल जाएंगे और मसाला भी हमारा जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये देखो इसको हिला के, और बस थोड़े से पकने के लिए इसको छोड़ दें, जब पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसमें चावल जो है वो बॉयल करेंगे। चावल तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो लिए, क्योंकि ये पुरानी चावल है बासमती राइस, उनको 1 घंटा पहले भिगो लिया था, अब इनको बॉयल कर लेते हैं। कीमा हमारा बिल्कुल तैयार है मसाले के साथ, आलू भी गल चुके हैं, बस इसमें हम सब्ज़ मिर्चें डालेंगे, और ये सब्ज़ धनिया मैं अंदर ही डाल रही हूँ, इससे वो अच्छा सा फ्लेवर बिरयानी में आ जाएगा। आप इसमें साथ पुदीना भी थोड़ा सा काट के ऐड कर सकते हैं, मेरे पास अभी नहीं है तो मैं नहीं डाल रही, लेकिन आप इसमें साथ धनिया के पुदीना भी डालें। चलो अब हम चावलों को दम पे रखने लगे हैं लेस लगा के। ये था लिया चावलों के हम ऊपर डाल रहे हैं।